सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। घर के बाहर एक महिला ने नवजात बच्ची को प्लास्टिक की थैली में रखकर चली गई। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जब महिला ने घर का दरवाजा खोला तो मासूम बच्ची को घर के बाहर थैली में पड़ा हुआ पाया। महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। आपको बता दें कि घटना थाने के लुइस बाड़ी इलाके में सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला रात के समय एक थैली लेकर जा रही है और थैली में रखी बच्ची को एक घर के सामने ये महिला रखकर चली जाती है। रात का समय होने की वजह से पूरे इलाके में सन्नाटा था, मगर अच्छी बात ये रही कि कुत्ते या फिर अन्य जानवरों से समझो कि खुदा ने इस बच्ची की हिफाजत। मगर रोने की आवाज सुनकर जिस महिला के घर के दरवाजे के बाहर ये बच्ची थैली में रखी थी, जब ये बच्ची रोई तो उस महिला ने जब घर का दरवाजा खोला तो देखा कि प्लास्टिक की थैली में ये बच्ची रखी हुई है और इस महिला ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी और मौके पर पुलिस ने इस बच्ची को पहुंचकर अपने ताबे में लिया और इस बच्ची को इलाज के लिए कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया है। लेकिन वही पुलिस सीसीटीवी में दिखाई दे रही महिला की तलाश कर रही है कि आखिर ये महिला कौन है, कहाँ रहती है और इस इलाके में प्लास्टिक की थैली में बच्ची को रख कर जाने का इसका मकसद क्या है। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने 317 के तहत इस पूरे मामले को लेकर FIR भी दर्ज की है और पुलिस इस महिला और बच्ची के माता पिता की तलाश अब शुरू कर दी।